यानी कि पर्सनल किंडर टुडे आरंभ करना है। कल इसके बारे में, इससे संबंधित परिभाषाओं के बारे में बताया जा चुका है। आवयुग का जो पहला सवाल है पर्सनल किंडर टुडे का, दिया है आवयुग ए बराबर 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12, यानी कि 1 -5 2, यानी कि यह आवयुग ए बराबर जो बड़ा क्वेश्चन है किसके ये तत्व है यानी कि इसके अवयव। तो इसमें कह रहा कि आवयुग की कोटि क्या होगी, दूसरा अवयवों की संख्या, और तीसरा नंबर कह रहा है कि अवयव A13 और दूसरा है A21, A33 और A24, A23 का मान निकालना है। तो पहले देखा जाए आवयुग की कोटि, तो आवयुग की कोटि निकालना है। तो कोटि निकालने के लिए सबसे पहले पंक्तियों की संख्या और उसके बाद स्तंभों की संख्या का गुणा किया जाता है। तो पहले देखा जाए इसमें कितनी पंक्तियाँ और कितने स्तंभ हैं। तो पंक्तियों को देखा जाए तो एक पंक्ति ये हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, ये तीसरी पंक्ति हो गई, पंक्ति हो गई तीन। और स्तंभ देखा जाए पंक्ति तीन हो गई, और जो स्तंभ देखा जाए तो एक स्तंभ ये हो गया, दूसरा स्तंभ हो गया, तीसरा स्तंभ और ये चौथा स्तंभ, यानी कि इसमें तीन पंक्ति और चार स्तंभ हैं। तो जो आवयुग की कोटि होगी 3 × 4। इसके बाद अवयवों की संख्या, तो जो अवयवों की संख्या निकालना है तो जो आवयुग की कोटि होती है उसी के गुणनफल से जो मान प्राप्त होता है वही अवयवों की संख्या होती है, यानी कि 3 × 4 = 12, ये हो जाएगी अवयवों की संख्या। अब तीसरे बार इसमें करा अवयव, अवयव दिया है A13 का मतलब एक जो है पंक्ति और तीन स्तंभ है। तो इसमें देखा जाए कि पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ पहली पंक्ति यानी कि ये है, और तीसरा स्तंभ ये हो गई पहली पंक्ति, और तीसरा स्तंभ यानी कि ये 19 जो दिखाई है। तो दोनों एक दूसरे को चूंकि 19 क्या काट रहे हैं तो कह रहे हैं कि इसका मान क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा 19, ये हो गया 19। इसके बाद A21 यानी कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसी का दूसरी पंक्ति हो गई और पहला स्तंभ, यानी कि इसका मान हो जाएगा 2, ये हो गया 2। एक दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ है, दूसरी पंक्ति तो ये हो गई और पहला स्तंभ यानी कि ये है, इससे जो क्रॉस होगा तो 2 नहीं बल्कि ये हो जाएगा 35 आपका। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति ये है और तीसरा स्तंभ भी यही है, यानी कि इसका जो मान आएगा तीसरी पंक्ति को देख लिया जाए और तीसरा स्तंभ 1 2 3, यानी कि ये मिल जाएगा -5 पर, इसका मान हो जाएगा -5। इसके बाद दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति यानी कि बीच वाली है, और चौथा स्तंभ, चौथा स्तंभ मतलब 1 2 3 4, यानी कि हो जाएगा माइनस एक मिनट, दूसरी पंक्ति बीचों बीच हो गई और चौथा स्तंभ है, तो जब यहाँ से क्रॉस किया जाएगा यानी कि यहाँ 12 क्या मिलेंगे दोनों, इसका मान हो जाएगा 12। और लास्ट है दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति यानी कि बीचों बीच है और तीसरा स्तंभ यानी कि यह 19 के अंश जो स्टार्ट है, तो दोनों एक दूसरे को यानी कि यहाँ जो -5/2 लिखा है यहाँ पर क्रॉस करेंगे, इसका मान हो जाएगा -5/2। इसके साथ ये पहला सवाल जो है आप लोगों का समाप्त हुआ है। अगला सवाल है दूसरा कि आवयुग में दी अवयव संख्या है 24, तो कोटियाँ कितनी होंगी।
और इसी का दूसरा भाग है यदि अयोग्य संख्या 13 हो तो कोटियाँ कितनी हैं, यानी कि एक जब निकल जाएगा तो उसी आधार पर दूसरा भी है। तो जब 24 है अयोग्य संख्या तो कोटियों को निकालना है, तो एक से स्टार्ट किया जाए तो पहला हो जाएगा 1 × 24 कामा 24 × 1, इसलिए कि जो सीधा होता है उसी का उल्टा भी होता है। 1 × 24 तो 24 × 1 भी होगा, फिर एक के बाद नंबर आ जाएगा 2 का, ये हो जाएगा 2। यदि 24 × 2 का भाग देते हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2 × 12, या इसको लिख सकते हैं 12 × 2। इसके बाद नंबर आएगा 3 का, हो जाएगा 3 × 24, यानी कि 3 × 8, या इसको लिख सकते हैं 8 × 3। इसके बाद 3 के बाद नंबर आ गया 4 का, 4 × 24 में भाग देते 4 × 24, 4 × 6 या 6 × 4। इसके बाद 5 से तो कटेगा नहीं 24, फिर 6 से 6 × 24 से हो गया 6 × 4, यानी कि जो इसमें कोटियों की संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि इससे अब अधिक संभव नहीं है। इसी प्रकार यदि अयोग्य संख्या 13 है तो इसमें देख लीजिए कोटियाँ कितनी हैं, इसको भी एक से स्टार्ट किया जाए 1, इसके बाद 13, या इसको लिख सकते हैं 13 × 1, और इसके बाद तो इसमें आपको ये संभवतः कोटियाँ दिखाई दे रही हैं जिससे 2 से 13 कटेगा नहीं, यानी कि अभाज्य संख्या है तो 1 से कटेगी और अपने से, तो इसमें कोटियों की संख्या इतना है 1 × 13 और 13 × 1। इसके साथ ये दूसरा सवाल खत्म हुआ। अब इसके बाद तीसरा है का पहला aij = i + j का होल स्क्वायर और बटा में 2। इसमें कह रहा है कि आव्यूह की रचना कीजिए, वो भी आव्यूह निकालना है 2 × 2, यानी कि 2 × 2 का आव्यूह निकालना है, और दिया है कि aij = i + j का होल स्क्वायर बटा में 2, यानी कि i जो है पंक्ति है और j जो है स्तंभ है। तो इसको निकालने के लिए i और j, यानी कि पहले जो है i का मान 1 रखा जाए और j का मान भी 1 रखा जाए, इसलिए हो जाएगा a (1, 1) = 1 + 1 का होल स्क्वायर और बटा में हो जाएगा 2। इसको तो हल कर दिया जाए, 1 और 1 हो जाएगा 2, 2 का वर्ग 4, 4 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 2। फिर इसी प्रकार 1, 2 = ये हो जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर बटन हो जाएगा 2 = 2। अब इसको देखा जाए a (1, 2), यानी कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 + 2, यानी कि i का मान 1, j का मान 2, 2 × 1 = 3 हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 9, 9 / 2। इसी प्रकार a (2, 1), यानी कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, i का मान हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर बटा में 2, 2 × 1 = 3 हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 9 / 2। इसके बाद जो है a(2, 2), यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, आपको निकालना भी यही है, यानी कि 2 × 2, यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर अपन 2, इसको हो जाएगा 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा, 16 में 2 से भाग देने को हो जाएगा 8। यानी कि जो आव्यूह की रचना करना है इसके 4 अवयव निकल गए, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी कि यहाँ तक निकल गया दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब आव्यूह की रचना करना है इसलिए दो इंटू दो, यानी कि 2 पंक्ति और 2 स्तंभ क्रम का आव्यूह, आव्यूह
ए बराबर हो जाएगा पहला है ए वन वन यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ ए वन वन, फिर उसके बाद पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति है ये दूसरा स्तंभ हो गया, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी कि ए टू वन, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति है ए टू टू ये दूसरा स्तंभ हो गया। अब इसी में इन मानों को रख दिया जाएगा, तो ए वन वन का मान आया टू, तो ए वन वन के यहाँ पर रख दिया जाएगा टू, इसके बाद ए वन टू का मान आया नौ बटा दो, यहाँ पर रख दिया जाएगा नौ बटा दो, इसके बाद ए टू वन इसका जो मान आया है नौ बटा दो, ये भी यहाँ रख दिया जाएगा नौ बटा दो, फिर इसके बाद ए टू टू तो इसका जो मान आया है यानी दूसरी पंक्ति दूसरे स्थान का ये हो जाएगा आठ, यही जो है अभी हुआ है यानी कि ये दूसरे सवाल का। जो अगला सवाल है पांचवा, ए आई जे यानी कि जो आई है पता है कि पंक्ति और जे स्तंभ है, एक बटा दो मार्ट माइनस तीन आई प्लस जे मार्ट यानी कि ये दोनों मार्ट के अंदर है, और आवयव की जो रचना करना है तीन इंटू चार की, तो तीन इंटू चार का आवयव बनाना है, तो सबसे पहले उस आवयव के अवयव को निकाला जाए, तो इसमें तीन पंक्ति और चार स्तंभ होने चाहिए, तो तीन पंक्ति और चार स्तंभ होने चाहिए, तो पहले सब अवयव को निकाला जाए, तो ये हो जाएगा ए वन वन बराबर एक बटा दो मार माइनस तीन आई का मान एक रखा जाएगा इंटू आई इंटू ए प्लस जे का मान हो गया ए, इसका मान हो जाएगा यानी कि हो जाएगा माइनस तीन और ये हो जाएगा ए, तो माइनस तीन और ये प्लस एक है तो माइनस तीन में से एक घटा दिया जाएगा, तो हो जाएगा अगले लाइन में एक बटा दो मार माइनस दो, और जो माइनस दो है तो दो से दो हो जाएगा कैंसिल, यानी कि ये जो मार्ट के अंदर माइनस एक बचेगा उसको हम एक लिख सकते हैं, यानी कि इसका मान आ जाएगा पूरा एक, इसका जो मान एक आ जाएगा। इसी प्रकार ए वन टू यानी कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ ये हो गया एक बटा दो मार्ट माइनस तीन इंटू ए प्लस दो, ये हो जाएगा बराबर एक बटा दो मार माइनस तीन और प्लस दो है तो माइनस तीन में से दो घटेगा माइनस एक, यानी कि जो मार के अंदर उसका माइनस एक है तो उसको प्लस एक लिख दिया जाएगा, ये हो जाएगा बराबर एक बटा दो। ए वन थ्री एक बटा दो माइनस तीन इंटू ए प्लस तीन, ये हो जाएगा एक बटा दो, ये माइनस तीन में का गुणा करेंगे तीन हो जाएगा, और तीन जोड़ देंगे तो माइनस तीन और तीन जीरो हो जाएगा, यानी कि सब मिलाकर हो जाएगा माइनस तीन और प्लस तीन बराबर जीरो। इसके बाद है ए वन फोर एक बटा दो माइनस तीन इंटू एक प्लस चार बराबर माइनस तीन में का गुणा माइनस तीन चार में से घटा देंगे यानी कि एक हो जाएगा, यानी कि सब मिलाकर इसका मान हो जाएगा एक बटा दो। इसके बाद पहली पंक्ति के एक दो तीन चार हो गए, यानी कि पहली इसके बाद दूसरी पंक्ति स्टार्ट किया जाए ए टू वन बराबर एक बटा दो मार माइनस तीन इंटू दो प्लस एक, ये हो जाएगा माइनस तीन में दो का गुणा किया जाएगा हो जाएगा माइनस छः, और एक जोड़ दिया जाए यानी कि प्लस, तो माइनस अधिक है प्लस कम है, ये हो जाएगा माइनस पाँच,
फिर माइनस पाँच है तो मार्ट के अंदर है, बाहर करेंगे तो होगा प्लस पाँच, यानी कि पाँच बटा इसका मान हो जाएगा पाँच बटा दो। इसके बाद ए टू टू यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा रखा, एक बटा दो माइनस तीन इंटू दो प्लस दो बराबर ये हो जाएगा माइनस तीन में दो का गुणा करेंगे माइनस छः, और दो हटा देंगे बचेगा माइनस चार, लेकिन मार्ट हटा देंगे तो हो जाएगा प्लस चार, और दो से चार को कटा दिया जाएगा तो हो जाएगा ये दो। इसके बाद ए टू थ्री, एक बटा दो मार्ट माइनस तीन इंटू दो प्लस तीन बराबर, ये तीन दूर के छः हो गया माइनस छः, ये प्लस तीन, तो माइनस छः में से तीन घट जाएगा माइनस तीन बचेगा, और मार हटाएंगे तो प्लस तीन हो जाएगा, यानी कि इसका मान हो जाएगा तीन बटा दो। इसके बाद ए टू फोर, एक बटा दो मार माइनस तीन इंटू दो प्लस फोर बराबर, ये हो जाएगा तीन दूना के छः माइनस छः, चार प्लस जो माइनस से कम है, छः में से चार घट जाएगा माइनस दो, और मार हटाएंगे तो हो जाएगा दो, यानी कि दो सौ कैंसिल हो जाएगा एक। तो ये दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, अभी क्योंकि निकालना है तीन इंटू चार का, एक पंक्ति और लेकर चलना है, ये हो जाएगा ए थ्री वन इक्वल टू एक बटा दो मार माइनस तीन इंटू तीन प्लस वन बराबर, तीन में तीन का गुणा करेंगे हो जाएगा नौ, लेकिन माइनस नौ प्लस एक घट जाएगा माइनस आठ, तो मार हटाएंगे तो हो जाएगा प्लस आठ, दो चौके आठ इसका मान हो जाएगा सीधे चार। ए थ्री टू यानी कि तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, एक बटा दो माइनस तीन इंटू तीन और प्लस दो, तीन तीन के नौ माइनस नौ दो घटा देंगे माइनस सात, लेकिन मार घटेगा तो प्लस सात, एक बटा दो से गुणा सात बटा दो। इसके बाद ए थ्री थ्री तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीन में तीन का गुणा करें माइनस नौ, तीन घटा दिए माइनस छः, और माइनस छः तो मार्च से बाहर करेंगे तो हो जाएगा छः, मार्च के अंदर यदि प्लस हो जाए माइनस सब मिलाकर बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तीन से कटा देंगे तीन दुना के छः, यानी कि इसका मान हो जाएगा दो। इसके बाद है ए थ्री फोर, एक बटा दो है तो माइनस तीन दिल्ली का नौ हो गया, नौ में तीन घटा छ, ये मान हो जाएगा तीन हो जाएगा, एक बटा दो मार्च माइनस तीन इंटू तीन प्लस चार बराबर, तीन में तीन को माइनस नौ और चार घटा देंगे तो हो जाएगा माइनस पाँच, और मार्च घटाएंगे तो प्लस पाँच, यानी कि सीधे हो जाएगा आपका पाँच बटा दो। और अभी उलाना है तीन इंटू चार का, तो सभी और निकल गए अभी के, अब ये किस क्रम का अभी हो तो तीन इंटू चार का, इसलिए तीन इंटू चार क्रम का आव्यूह, क्रम का आव्यूह ए बराबर अब तीन इंटू चार का है तो पहले ए वन वन यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति चौथा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ए टू थ्री लास्ट है तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। अब इसी में इन अवयवों को रख दिया जाए,
इन अवयवों को रख दिया जाए तो ए वन वन का मान यहाँ निकला हुआ है एक, ये हो जाएगा ए, ए वन टू इसका मान निकला है एक बटा दो, इसके बाद है ए वन थ्री इसका मान है जीरो, इसके बाद है ए वन फोर इसका मान है एक बटा दो, इसके बाद ए टू वन, ए टू वन इसका मान है पाँच बटा दो, ए टू टू इसका मान है दो, यानी कि ए टू थ्री तीन बटा दो, ए टू फोर इसका मान है एक, इसके बाद है तीसरी पंक्ति ए थ्री वन इसका मान है चार, ए थ्री टू इसका मान है सात बटा दो, ए थ्री थ्री इसका मान है तीन, और ए थ्री फोर इसका मान है पाँच बटा दो, यानी कि यही जो है तीन इंटू चार का आवी हो गया। सवाल नंबर छठवां, करण के निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इन समीकरणों की सहायता से एक्स जेड वाई का मान निकालना है। तो देखा जाए तो यहाँ पहले जो आवयव दिया है इसमें इसके अवयव हैं चार तीन एक्स पाँच, और दूसरे आवयव में वाई जेड एक पाँच, तो दोनों की क्या किया जाए तुलना कर दी जाए। दोनों अवयवों के संगत अवयवों की तुलना करें, तुलना किया जाए तो जब यहाँ पर चार है पहला पंक्ति पहला स्तंभ में, तो दूसरे अवयव में देखा जाए पहला पंक्ति पहला स्तंभ में क्या है तो वाई है, तो यहाँ से हो जाएगा वाई का मान चार, इसके बाद ये तीन है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसमें भी देखा जाए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ में जेड है, जेड का मान हो जाएगा तीन, इसके बाद दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ में एक्स है, यहाँ पर दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ यानी कि एक है, एक्स का मान क्या हो जाएगा एक, इस तरह तुलना करने पर हो जाएगा इसलिए एक्स बराबर एक, एक्स का मान एक हो गया, वाई बराबर तीन, जेड बराबर चार, यानी कि इस प्रकार जो है ये पहला सवाल खत्म हुआ। ये छठवें का तीसरा है, पहले आवयव में दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, और x प्लस जेड वाई प्लस जेड यानी कि पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, इसमें है एक पंक्ति दो पंक्ति और तीन पंक्ति, यानी कि पंक्तियां तीन है लेकिन स्तंभ एक है, और इसमें जो है तीन पंक्तियां हैं और स्तंभ जो है एक है, तो कह रहे हैं कि इसकी सहायता से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए, तो पहले दोनों आवयवों की तुलना किया जाए। दोनों आवयवों के संगत अवयवों की तुलना करने पर ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर नौ। ये हो गया समीकरण नंबर एक। इसके बाद x प्लस जेड बराबर पाँच, ये हो गया समीकरण नंबर दो। y प्लस जेड ये बराबर हो गया सात, समीकरण नंबर तीन। अब इन तीनों समीकरण की सहायता से एक्स वाई जेड का मान निकाला जाएगा। देखा जाए तो पहले समीकरण में एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, और समीकरण दो में है एक्स प्लस जेड, तीन में है वाई प्लस जेड, तो समीकरण एक में से यदि दो को घटा दिया जाए तो वाई का मान निकल जाएगा, यदि एक में से तीन को घटा दिया जाए तो एक्स का मान निकल जाएगा,
समीकरण एक में से दो को हटाने पर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस जेड बराबर 9 माइनस 5 या एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि कोष्ठक से बाहर माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा माइनस एक्स माइनस जेड बराबर हो जाएगा 4। तो एक्स से एक्स कैंसिल, जेड से जेड भी कैंसिल, इसलिए वाई बराबर 4, यानी कि वाई का मान निकल गया। अब समीकरण एक से तीन को घटाया जाए से पास माइनस है तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस वाई माइनस जेड बराबर 9 में 7 घटेगा तो हो जाएगा वाई से वाई कैंसिल और जेड से जेड कैंसिल, इसलिए एक्स बराबर हो जाएगा 2। तो एक्स का मान निकल गया 2 और वाई का मान निकल गया 4। तो एक्स और वाई का मान, यदि एक्स का मान 2 में रखते हैं तो जेड का मान निकल जाएगा, यदि वाई का मान 3 में रखते हैं तो यहाँ से भी जेड का मान निकल जाएगा, कि 2 और 3 किसी की सहायता से जेड का मान निकाल सकते हैं। यानी कि समीकरण 2 में x बराबर 2 रख दिया जाए तो x प्लस जेड बराबर कितना है 5, ये हो जाएगा 2 प्लस जेड बराबर 5 या जेड बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2, इसलिए जेड बराबर 3। यदि वाई का मान समीकरण 3 में रखा जाए तो वाई का मान चुका है 4, 4 यहाँ रखा जाए पक्षांतर होगा तो 7 में से 4 घटेगा तो भी 3 आएगा, 2 में रख कर निकाले या 3 में, यानी कि दोनों में जेड का मान बराबर ही आएगा, इसलिए x बराबर 2 y बराबर 4 और z बराबर 3, यानी कि जो समीकरण दिया गया था इसके जो मान है x y z के ये जो है निम्न है।